हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज वीडियो में बात करने वाले, यदि आपने वोटर कार्ड में करेक्शन के लिए अप्लाई किया है, यदि आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपका वोटर कार्ड में करेक्शन हुआ है फिर नहीं हुआ है, तो आप किस प्रकार चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्राउज़र के अंदर आपको सर्च करना होगा NVSP, ये डाल के आपको सर्च कर लेना। फर्स्ट में वेबसाइट मिल जाएगी NVSP.in, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो इधर आपको जो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस बटन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना स्टेटस चेक करने के लिए। इधर आपको रेफरेंस आईडी एंटर करना होता है। तो ये रेफरेंस आईडी नंबर कहाँ से मिलेगा? जब आपने वोटर कार्ड करेक्शन के लिए अप्लाई किया था, उस समय आपने जो लास्ट में सबमिट बटन प्रेस किया था, उसके बाद में आपको एक रेफरेंस नंबर डिस्प्ले हुआ होगा, तो उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यदि आपने नोट किया था रेफरेंस आईडी, तो आपको पता होगा, तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। क्योंकि हमने नोट किया था, जब हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया था तब हमें एक रेफरेंस नंबर मिला था, उस रेफरेंस नंबर को हमने नोट किया कर लिया था। तो अभी हम उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में ट्रैक स्टेटस बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने स्टेटस आ जाता है। जब आप फर्स्ट टाइम स्टेटस चेक करते हैं, आपके सामने कुछ प्रकार का स्टेटस भी देखने को मिल जाता है। इधर आपको जब फर्स्ट टाइम चेक करेंगे, तो आपको ओनली जो सबमिटेड बटन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उधर ही आपको एक ग्रीन कलर दिखाई देगा, ठीक है। और बाकी की जगह आपको ये वाला कलर दिखाई देगा इस जगह, ठीक है। जब जैसे ही आपका BLO वेरीफाई कर लेता है आपके एप्लीकेशन को, तो वो जिस तारीख को BLO वेरीफाई करेगा, वो डेट नीचे यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है कि इस तारीख को BLO ने वेरीफाई कर लिया और उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया। जैसे आगे वेरीफाई हो जाता है, फिर आगे चला जाता है, फिर वो लास्ट में एक्सेप्ट होता है, फिर रिजेक्ट होता है। अगर रिजेक्ट होता है तो उसका रीज़न लिखा हुआ था क्यों रिजेक्ट किया गया है। यदि एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका वोटर कार्ड में जो भी आपने करेक्शन किया था वो करेक्शन हो जाता है। फिर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर अपडेट हुआ देखने को मिल जाता है। तो अभी हमारे केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी जगह ग्रीन कलर बता रहा है, मतलब ये हमारा सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, यानी हमारे वोटर कार्ड में करेक्शन हो चुका है। तो आप किस प्रकार इसको वेरीफाई कर सकते हैं, करेक्शन हुआ है फिर नहीं हुआ है? तो इसके लिए आपको बैक आ जाना है और इधर आपको सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको ये सर्च बाय ईपिक नंबर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपना ईपिक नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर कैप्चा को एंटर कर देना है। उसके बाद खोजे बटन पर क्लिक कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिलअप कर दिया। उसके बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटेल्स आ चुका है, जो भी हमने करेक्शन किया था यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। या जैसे कि हमने नेम यहाँ पर करेक्शन किया था, तो जो भी हमने नया नेम डाला था वो नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और अगर यदि आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज किया हो, तो डेट ऑफ बर्थ का जो भी अब अगला जो ईयर बनता है, जो भी एज बनता है, वो एज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो मतलब डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो चुका है। फादर्स नेम चेंज नहीं किया था, तो वो यहाँ पर ओल्ड वाला नेम आ रहा है। तो हमने यही चेंज किया था, तो सब कुछ यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो कन्फर्म हो चुका है। तो यदि आपको वोटर कार्ड प्रिंट करना है, किस प्रकार कर सकते हैं, यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आपको बताना, वो वीडियो भी हम जल्द बना देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ चैनल सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो फ्रेंड्स।